सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देख लो आप गैल्वेनिक सेल के बारे में कि इसके लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू आई यू पी ए सी के अनुसार इसको समझते हैं। ये जो भी नियम रिप्रेजेंटेशन का दिया हुआ है वो आई यू पी ए सी का, और आई यू पी ए सी एक संस्था, इंटरनेशनल संस्था है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। जैसे आई यू पी ए सी नेम के बारे में भी हम लोग चर्चा किए, जैसे कि 11th में या आगे भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आई यू पी ए सी, आई यू पी ए सी का क्या रूल है, इसमें सबसे पहला है कि एनोड को हम लोग क्या करते हैं, एनोड लेफ्ट साइड तथा हम लोग कह सकते हैं एंड कैथोड जो है वह कैथोड राइट साइड, मतलब दाहिने तरफ राइट साइड निरूपित किया जाता है या दिखाया जाता है। देखो ध्यान दो, सबसे पहला मतलब जो एनोड होगा वो हम लोगों को किस साइड, लेफ्ट साइड, और जो कैथोड होगा वो राइट साइड, मतलब अकॉर्डिंग टू सेल कंस्ट्रक्शन हम लोग कह सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का सबसे पहला नियम। दूसरा हो गया, अब देखो कि गैल्वेनिक सेल का जो बनावट है उस सेल के बनावट के बारे में सबको इतना जान रहे हैं, याद करने का प्रयास करो कि गैल्वेनिक सेल में हम लोगों को दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और कैथोड के नाम से जिसको जानते हैं। तो वहाँ पर एनोड या कैथोड, इट मीन्स इलेक्ट्रोड जिस मेटल का बना होता है उस मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही वह डूबा हुआ रहता है। जैसे अगर तुम्हारा एनोड ZN का है तो वह ZN मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वह ZnSO4 के घोल में डूबा हुआ रहेगा, और इस घोल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात है कि एनोड और कैथोड जो हम लोग लेफ्ट और राइट साइड लिखाएंगे, तो सबसे पहले सेल के इलेक्ट्रोड या हम लोग लिखे तो सेल का जो इलेक्ट्रोड होगा या सेल के जो मेटल, सेल के इलेक्ट्रोड तथा इसके इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे लिखे सेल के हाफ सेल के इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट तथा इसके इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ध्यान दो, मतलब जो वर्ड मुख्य है उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड किसी मेटल का होगा और किस स्टेट में, हम लोगों को सॉलिड में, तथा इसके इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि जिस सॉल्यूशन में वह इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहेगा। तो यह इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट के बीच फेज बाउंड्री को एक वर्टिकल लाइन या हम लोग वर्टिकल लाइन को इस तरह से दिखाएंगे, सीधा लाइन, वर्टिकल लाइन या स्लैश किसको कहते हैं, यह हम लोग को स्लैश का सिंबल हो गया, स्लैश से दिखाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। देखो ध्यान दो, मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के वर्टिकल लाइन या किसका यूज किया जा रहा है, स्लैश का, ध्यान दो। तो स्लैश या वर्टिकल लाइन तो कैसे, हम लोग पहले बात करें अगर एनोड का, तो देख लो एनोड मान लो सपोज दैट किसी मेटल का बना है, तो इसको हम लोग जनरली किससे दिखाते हैं, मेटल, और मेटल जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, और लाइक या हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मेटल और Mn+, मान लो यह हो गया, तो यह Mn+ जब आयनिक फॉर्म में होगा तो इट मीन्स इसके पास हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वस, यह एक्वस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, तो दोनों अलग अलग फेज में हो गया। अगर अलग अलग फेज में हो गया तो इस फेज को बांटने के लिए फेज बाउंड्री का यूज किया जाता है, जो या तो वर्टिकल लाइन होगा और नहीं तो एक स्लैश होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके M और या तो स्लैश लगा दीजिए Mn+ और क्या हो गया, एक्वस एनोड का। अगर कैथोड रिएक्शन की बात करें तो कैथोड या हाफ सेल में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, Mn+
मतलब जो यहाँ आयन है वो तुमको किस में मेटल और इसी को हम लोग स्लैश से अगर दिखाएंगे तो एम एन प्लस एक्वस और यहाँ पर स्लैश हो गया फिर एम एस। देखो अब ध्यान दो, तो ये वाला भाग जो है जो मेटल वाला भाग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको ऐसे भी समझ सकते हो मेटल है, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्लस चार्ज है, इट मीन्स यह कैसे पॉसिबल है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड पर होता है, एनोड पर होता है, तो इट मीन्स यह एनोड पर, इसलिए दिस इज एनोड रिएक्शन, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन की क्रिया है। दूसरा हम लोग क्या था एम एन प्लस टू एम हुआ तो यह प्लस चार्ज इस पर खत्म हो गया है, इट मीन्स यह न्यूट्रल भाग को दिखा रहा है, तो न्यूट्रल भाग तब होगा जब प्लस चार्ज को कैंसिल करने के लिए क्या आएगा माइनस, इट मीन्स इस पर माइनस आया होगा और माइनस चार्ज किसके कारण इलेक्ट्रॉन लॉस से या गेन से, गेन से, तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन की क्रिया हुई और इलेक्ट्रॉन गेन की क्रिया हम लोग रिडक्शन कहलाता है और रिडक्शन कहाँ पर होता है एट कैथोड, इसलिए हम लोग को कौन सा रिएक्शन हो गया कैथोड, तो यहाँ पर कैथोड एनोड के रिएक्शन इत्यादि के बारे में पीछे थोड़ा हम लोग डिस्कस किए हैं और आगे हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक में देखेंगे। यहाँ मुख्य ये है कि आपको अगर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की को शो करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के लाइन का प्रयोग करेंगे, मतलब या तो वर्टिकल या नहीं तो स्लैश, इसी को कहा जाता है फेज बाउंड्री। ये क्या हो गया फेज बाउंड्री, या हम लोगों को फेज बाउंड्री कहलाएगा। हम लोग दो नियम लिखे अभी कि हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल डायग्राम में, तीसरा उसके बाद फिर हम लोगों को सेल में गैल्वेनिक सेल में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें एनोड कैथोड और साल्ट ब्रिज, ये तीनों सबसे पहले, वैसे इलेक्ट्रोलाइट भी है हम लोगों को या अन्य पार्ट भी है लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो तीसरा हम लोगों को फिर साल्ट ब्रिज जो होगा, साल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन इट मीन्स इसको हम लोग किस तरह से वर्टिकल लाइन डबल या फिर डबल स्लैश इट मीन्स इस तरह का हम लोग डबल स्लैश से दिखाया जाता है, या तुमको हो गया आईयूपीएससी का दिखाया जाता है। देख ले साल्ट ब्रिज को, तो सबसे पहले यहाँ पर साल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन या डबल स्लैश, यहाँ पर स्लैश का सिंबल भी दिखा दिया से दिखाया जाता है। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज जैसे होगा इट मीन्स साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड क्या होगा कैथोड, तो यहाँ पर तुमको यह हो गया एनोड और दूसरा भाग हो गया कैथोड, या एनोड और कैथोड, या और इसी को एनोड और उसके बाद हम लोग स्लैश और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैथोड, दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद चौथा अगर हम लोग बात करें फिर कभी कभी इलेक्ट्रोड के रूप में गैसियस इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग होता है, तो सबसे पहले जैसे कि मेटल जिस तरह से खड़ा होता है या जिस तरह से उसकी स्थिति हम लोग सिचुएशन कह सकते हैं उस तरह का स्टेट जो है वह गैस में नहीं पाया जाएगा, तो गैस को जिस मेटल के साथ प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड को ब्रैकेट में दिखाया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड के मेटल को अगर हम लोग देखें मेटल को ब्रैकेट में दिखाया जाता है। कैसे, सपोज दैट मान लो यहाँ पर पीटी एक हम लोग मेटल प्रयोग किए और यह तुमको H2 वाले इलेक्ट्रोड में यूज हुआ था, H2 और H2 किस फॉर्म में होगा गैस और H+ जब आ गया तो यह किस में एक्वस, ऐसे भी, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं और करके पीटी तुम इस ब्रैकेट में दे दो प्लेटिनियम धातु यूज हुआ और उसके बाद यहाँ पर H2 गैस और उसके बाद स्लैश दे दीजिए और उसके बाद फिर H+ एक्वस ये, और फिर हम लोग दूसरा अगर ले लेते हैं फिर जैसे प्लेटिनियम यूज किया जाए लेकिन यहाँ पर Cl क्लोरीन गैस हो गया और यहाँ पर तुमको Cl- और ये हो गया एक्वस, फिर या तो स्लैश का भी यूज कर सकते हो इस तरह से। और अगर हम लोग पाँचवा फिर बात करते हैं, पांचवा में अगर तुम कम्प्लीटली अब सेल डायग्राम अगर लिख लेते हो तो सेल डायग्राम जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि जो सेल डायग्राम के सेल डायग्राम
के बाई ओर लिखा, दाई ओर लिखा जाता है, दाई ओर लिखा जाता है और लिखा जाता है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको, दिखाया जाता है। देखो किस तरह से दाई ओर लिखा जाता है, तो दाई ओर लिखने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पर हो गया ये स्लैश, डबल स्लैश, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल वर्टिकल लाइन और दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साल्ट ब्रिज और इस साइड एनोड, इधर क्या हो गया कैथोड, तो एनोड कैथोड इसको हम ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिखो इसको, देखिए अब आगे जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को हो गया साल्ट ब्रिज और साल्ट ब्रिज के इधर हम लोग को एनोड और इधर हो गया फिर कैथोड, कैथोड हो गया और एनोड कैथोड का अगर हम लोग दोनों का रिप्रेजेंटेशन को अभी फिर देखें तो एनोड में हम लोग गए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मान लो हम लोग मेटल लेते हैं और मेटल का फेज बाउंड्री देते हैं एम प्लस एक्वस हो गया, एक्वस एम एन प्लस एक्वस और ये एनोड रिएक्शन, उसके बाद यह साल्ट ब्रिज और इधर हो गया तुमको एम एन प्लस एक्वस टू, क्या हो गया एम। यहाँ अब देखिए ये हम लोग को सेल डायग्राम हुआ, लेकिन कोई भी सेल या कंप्लीट हम लोग को रिप्रेजेंटेशन हुआ, साल्ट ब्रिज, एनोड, कैथोड, उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फेज बाउंड्री, सब हम लोग कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन अगर कर दिए तो सेल होगा, तो सेल का कुछ ना कुछ सेल पोटेंशियल होगा, तो लाइक सेल पोटेंशियल को ई सेल से हम लोग दिखाते हैं और यह मान जो है इस साइड में लिखा जाता है, मतलब राइट साइड में, और मान लीजिए इसका मान है 1.1 वोल्ट, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया उस सेल का, सेल डायग्राम। अगर हम लोग को कंसंट्रेशन दिखाना है कि सॉल्यूशन का या जो सेल इसमें है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में यहां पर और कंसंट्रेशन को हम लोग एम में, इट मीन स्मॉलरिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हो गया तुमको, हम लोग अब देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ सेल डायग्राम फ्रॉम सेल रिएक्शन। ठीक है, देख लो, ध्यान दीजिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर सेल डायग्राम हम लोग प्राप्त करेंगे किससे, सेल रिएक्शन से। मतलब सेल रिएक्शन तुमको दिखा दिया जाएगा और उससे आपको कहेगा सेल डायग्राम। तो अभी जो हम लोग नियम बायोपेसी का पढ़े वो किस चीज का था, सेल डायग्राम के लिए, इसमें सेल कैल्विनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, इट मींस दिस इज कॉल्ड सेल डायग्राम। तो हम लोग यहाँ पर सेल डायग्राम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल डायग्राम तुमको सेल रिएक्शन दिखा देगा और सेल डायग्राम कहेगा बनाने के लिए उसको बनाना। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेल रिएक्शन की बात करते हैं, तो सेल रिएक्शन में कंप्लीट सेल रिएक्शन जैसे ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वस और गिव्स हो गया फिर तुमको यहाँ पर Zn2 प्लस एक्वस और प्लस हो गया CuS। देखो ध्यान दो, यह एक सेल रिएक्शन है, तो इस सेल रिएक्शन से तुमको सेल डायग्राम बनाना है। तो सेल डायग्राम के नियम के लिए बेसिकली अभी तुम जो बात याद रख सकते हो वो हो गया कि हम लोगों को बीच में साल्ट ब्रिज होगा विच इज शोन बाय या रिप्रेजेंटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन या डबल वर्टिकल पैरेलल लाइन और डबल स्लैश। एंड हम लोग कह सकते हैं इसमें इस डबल स्लैश या डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड। तो राइट साइड में हम लोग को लेफ्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड है, तो एनोड पर कौन सा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और इसमें कौन सा हम लोगों को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्रिया होगी और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन की क्रिया होगी। मतलब इस दोनों क्रिया को हम लोग दो वर्ड से जानते हैं, वो दोनों वर्ड कौन सा है, अंजलि? बोलो सो दोनों का मीनिंग जल्दी से। लेफ्ट ऑक्सीडेशन इज एनोड एंड से नेगेटिव, आर टू बी सी रिडक्शन, राइट पॉजिटिव
कैथोड, गुड, बैठ जाओ। देखो आर टू पी सी और लॉन, इस दो वर्ड का हम लोग यूज करते हैं और इससे हम लोग को एनोड और कैथोड दोनों को समझते हैं। ये बात सबके बारे में कॉन्सेप्ट सबके पास है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अगर सेल डायग्राम बनाएंगे तो एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन दोनों मालूम होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले दोनों रिएक्शन को खोजेंगे। तो हम इसको सबसे आसान तरीका है, तुम इधर वाला जो मेटल है और इधर वाला जो मेटल का आयन है उस दोनों को तुम सीधे पहले दो पार्ट में इसको पार्टीशन कर दो, एक यह और दूसरा यह। अब इसमें कौन सा एनोड है कौन अभी हम लोग को कुछ मालूम नहीं, लेकिन अब इसमें तुम ध्यान दो कि Zn से Zn2 प्लस हुआ है तो इसका मतलब निश्चित रूप से प्लस चार्ज आया होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या क्या होगा, लॉस किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बन गया। तो दूसरा पार्ट तुम वैसे भी कह दो सीधे, दूसरा तो रिडक्शन होगा ही, और दूसरा रिडक्शन होगा ही या रिडक्शन वाला पार्ट। तो सबसे पहले सेल डायग्राम के लिए हम लोग यहां पर एट एनोड, इट मीन एनोड रिएक्शन को हम लोग लिख ले। तो एनोड में क्या हो गया, जिंक जो है तुम्हारा या दो प्लस चार्ज, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन, इट मीन दो इलेक्ट्रॉन या लॉस करके क्या किसमें बदला, जेड एन टू एन प्लस। इसमें अब देखिए, इसमें हम लोग को या सॉलिड स्टेट या एक्वस स्टेट, तो दोनों को अगर सेल डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे तो सेल डायग्राम इसके लिए हो गया, सेल डायग्राम एक फेज बाउंड्री से जेड एन और एक फेज बाउंड्री और यह हो गया जेड एन टू प्लस एक्वस, या चाहे तो स्लैश से भी तुम दिखा सकते हो। अब उसके बाद फिर कैथोड की हम लोग बात करते हैं, तो कैथोड रिएक्शन को यहां पर देख लो, CU2 प्लस एक्वस है और यहां पर CU2 प्लस से क्या बना है, CU, और CU में देख लो यहां दो प्लस यहां न्यूट्रल, तो इट मींस दो प्लस चार्ज को खत्म करने के दो माइनस आया होगा, और दो माइनस दो इलेक्ट्रॉन के गेन से आएगा कि लॉस से आएगा, गेन से, इट मींस यह हो गया टू इलेक्ट्रॉन तुमको यहां पर, तो यह न्यूट्रल हो गया। और इसी को अब हम लोग सेल डायग्राम में दिखाएंगे, तो सेल डायग्राम में मतलब हाफ सेल डायग्राम हो गया, तो हम लोगों को CU2 प्लस यहां पर देख रहे हो, इससे तुमको क्या हुआ है, किधर की ओर गया है, CU की ओर। अब देख लीजिए, तो ये तो दोनों हम लोगों को हाफ सेल है, अब इसको कंप्लीट सेल में दिखाएंगे। तो हम लोग सेल डायग्राम की अब बात करते हैं, सेल डायग्राम की, तो सेल डायग्राम के लिए बीच में हो जाएगा साल्ट ब्रिज और इधर क्या हो जाएगा तुमको एनोड और इधर क्या हो जाएगा कैथोड। तो एनोड रिएक्शन में देख लो वहां पर है क्या, Zn से Zn2+ एक्वस, ठीक है, और यहां पर तुमको फिर क्या हो गया, फिर CU2+2 CU और यहां पर क्या हो गया एक्वस, ठीक है। ये तुमको कंप्लीट सेल डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, बाकी और इसमें जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ये हाफ सेल डायग्राम, ये सेल का डायग्राम, ये कंप्लीट सेल का तुमको डायग्राम। चलते इसे देखो आप, फिर इसी का हम उल्टा कर दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डायग्राम की जगह यहाँ पर सेल रिएक्शन कर दे रहे हैं, सेल रिएक्शन, और इसको हम लोग किससे प्राप्त करेंगे, तो सेल डायग्राम, मतलब सेल डायग्राम दिया हुआ रहेगा और तुमको डिटरमाइन करना है कैसे सेल रिएक्शन। देख ली, बस इसी को उल्टा करें, उसके बाद फिर क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो इसमें मान लो सबसे पहला है तुमको सेल डायग्राम दिया हुआ है, सेल डायग्राम में बस उसी को हम लोग देख ले, जैसे Zn से Zn2+ एक्वस और उसके बाद साल्ट ब्रिज CU2+ एक्वस टू क्या हो गया CU, यह तुमको दिया हुआ है, सब वेट है। इससे तुमको सेल रिएक्शन लिखना है, तो सेल रिएक्शन का मतलब हो गया एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन, सेल रिएक्शन बराबर एनोड रिएक्शन प्लस कैथोड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्शन प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्शन। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, पहले एनोड के रिएक्शन को लेते हैं। तो सबको तो क्लियर है कि ये वाला जो साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड है वो एनोड है और दूसरे वाला जो कैथोड है, तो एनोड का रिएक्शन जेड एन से क्या बना है, तो तुमको कुछ नहीं सोचना है, पहले जेड एन से जेड एन टू प्लस दोनों साइड दिखा देना है, ठीक है। अब तो तुमको क्लियर, इस पर दो प्लस चार्ज आया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन या लॉस क्या होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन या लॉस किया है इस तरह से हम लोग दिखा दे। अगर तुम एस लगाना चाहते हो लगा दो सॉलिड स्टेट वाले भाग को। और उसके बाद फिर अब देखिए कैथोड की हम लोग बात करते हैं, कैथोड का तो फिर देख लो, इसमें भी जैसा सिस्टम है CU2+ एक्वस है और तुमको इधर हो गया कौन सा CU, या एस भी लगा सकते हो, यहां पर भी तुम एस लगा सकते हो, यह हो गया। अब इसमें देखो दो प्लस से यह न्यूट्रल हो गया, तो निश्चित रूप से दो इलेक्ट्रॉन को गेन क्या होगा, यह
ठीक है। अब हम लोग सीधे एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन आएगा। तो सेल रिएक्शन बराबर सीधा हम लोग को हो गया कि सेल रिएक्शन बराबर एनोड रिएक्शन प्लस, तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इट मीन्स हम लोग को यहाँ हो गया जेड एन एस प्लस सी यू टू प्लस एक्वस एक्वस है, और गिब्स इधर हो गया तुमको जेड एन टू प्लस एक्वस है और प्लस हो गया सी यू एस। यह हम लोग को कंप्लीट सेल रिएक्शन है। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल से दोनों प्रकार, इट मीन्स हम लोग अभी यहाँ पर देख लिए दोनों टॉपिक। सबसे पहले तो सेल डायग्राम को रिप्रेजेंट करना, और उसके बाद सेल डायग्राम के बाद हम लोग को दो हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डायग्राम फ्रॉम सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन फ्रॉम सेल डायग्राम। मतलब सेल डायग्राम अगर दिया हुआ तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और सेल रिएक्शन अगर दिया हुआ तो सेल डायग्राम, और सेल डायग्राम दिया हुआ तो सेल रिएक्शन। इस दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाने के लिए सबको होना चाहिए। इसमें दोनों में एक एक एग्जाम्पल दे करके इसको हम दिखा दिए हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो है वह नेक्स्ट क्लास में सबको प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए आज यहीं तक हम लोग ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट।